everyone, welcome to our channel. This is Shantika and this is Rigdev. Yes, now we are in the Magarpata city, which is the vicinity of our society, our home. So yes, why we came here? Because good news is here. We got the delivery of Ola scooter today around 1 p.m. Yes, and so we came here with our scooter. Here you can see, this is with us. So we want to show you How it feels. Yes. And how the first impression, what we got and what we are going to get during the ride. So yes, for that we came here to in Magarpata city. So let's explore. What and all accessories we got, let us show you first. So yes, after opening the boot, we first saw these two helmets. These yes, two amazing helmet, half face helmets. Okay, so these are, those are both are on the same size. उसके बाद हमें ये मिला, ये जो कवर है, ये जो कवर है हमें वो मिला. इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कवर एंड आई डोंट थिंक दैट इट विल कॉम्बैट द रेन, बट ये अच्छा अच्छा है फॉर सनलाइट एंड फॉर सनलाइट इट इज ओके एंड फॉर ड्रिजलिंग. हाँ, मतलब थोड़ा अगर बारिश होगा, कम बारिश होगा, इसके लिए अच्छा है. एंड नेक्स्ट इज ये चार्जर. ओके, सो चार्जर भी काफी हेवी है. एंड वायर, इसके साथ वायर जो है ये दिखाओ. हाँ, ये है चार्जर का वायर. चार्जर निकाल के दिखाता हूँ. हाँ, ये है चार्जर. ओके, एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रैप इट विद दिस कवर, बबल रैपर, व्हाइल चार्जिंग. व्हाइल चार्जिंग, यस. तो इसको अभी मैं निकाल ही देता हूँ. और इसके बाद हमें मिला ये जो, इसके बाद क्या है? हाँ, ये एक किट है. yeah. हाँ, एक सेफ्टी किट है. ओके, इसमें क्या है अभी ओपन करके देखता हूँ. इसमें इलास्टिक प्लास्टर है. अच्छा, एक स्टेराइल इलास्टिक प्लास्टर है. ओके ओके, एंड उसके बाद है ये, और एक ड्रेसिंग है. ओके ओके, एंड सो फर्स्ट टाइम चलाने के बाद किसी को अगर चोट बोट लग जाता है, फर्स्ट टाइम नहीं, कभी भी चोट कभी भी आ सकता है. इंडियन ट्रैफिक इज रियली बैड एंड स्पेशली पुणे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये रॉन्ग साइड करते हैं बहुत. हाँ, स्पेशली टू व्हीलर्स. हाँ, आई एम नॉट हैविंग एनी ग्रज टू एनीबडी, बट दिस इज अ फैक्ट. ओके, सो यस, सो ये दोनों दो चीज हैं. ओके ओके, एंड और बेसिकली ड्रेसिंग के लिए जो जो चीज चाहिए वही है इसमें. या कॉटन, आई थिंक कॉटन बैंडेजेस. या बस यही है. और एक किट है, वो हमारे लिए नहीं, अगर टेक्नीशियन आएगा तो फिर उनके लिए है. तो हां, करेक्ट. तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा. नीचे शायद छोटा है ना. हां, वो वाला है. वो है, मुझे मिल गया. कौन सा? हां, दिस वन. This is the tool kit. This is the tool kit. वो जो अगर technician आएगा, हाँ, उसको चाहिए होगा, तो ये है tool kit. Yes. Tool kit देखा नहीं, देख दिखाई देते हैं. तो दो Allen keys हैं, दो Allen keys हैं, और एक wrench है. बस यही है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फुट रेस्ट है, यहाँ पे एक है, उस साइड में और एक है, बट जो लेडीज फुट रेस्ट है वो अभी तक नहीं दिया हुआ है यहाँ पे. बट जो डिलीवरी बॉय था, उन लोगों को मैंने पूछा कि वो मिलेगा क्या, या फिर यहाँ पे लगाना पॉसिबल है क्या. देन उन लोगों ने बोला कि येस, इट विल मीन्स ओला विल प्रोवाइड यू, बट अभी नहीं, बाद में प्रोवाइड किया जाएगा एंड आप लोगों को वो खरीद के लेना होगा. तो यही एक चीज़ है. एंड ओवरऑल ये ठीक है, कोई स्क्रैच अभी तक हमने देखा नहीं. एंड अदरवाइज वी गॉट वन प्रॉब्लम ओनली, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है. आप देख सकते हैं कि ये ऐसा करेंगे तो ये पूरा ये टच नहीं हो रहा है. टच नहीं है. हाँ, इस साइड थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप है. ये भी ऐसा ही है.
तो यही प्रॉब्लम है, हम लोग यही हाँ. सोच रहे हैं कि अगर बारिश में ये क्या होगा, अगर इसका क्या होगा? हाँ, तो अगर पानी अंदर चला गया देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. तो हम लोग सोच रहे हैं कि टेक्नीशियन को कॉल करके बुलाएंगे एंड इफ इट इज पॉसिबल देन ही और शी कैन फिक्स इट. फिक्स इट. तो चलो अभी एक राइड लेते हैं. अच्छा सा Hey, how are you feeling? Great. How great? How much? Full. Yes. Okay. ये ना पैनल है ना, मतलब जो हैंडल है वहाँ पे गैप है. नहीं और कुछ अभी तक तो नहीं है, लेकिन वो पैनल गैप है. पैनल गैप्स का जो इशू था उसके रिलेटेड मैंने कॉल किया, तो टेक्नीशियन आके टेक्नीशियन कॉल करेगा ऐसा बोला है मुझे. तो देखते हैं क्या होता है, कब तक कॉल करता है. सुना है ये सर्विस अच्छा है अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है. चलो एंड वो लोग पूछ रहे थे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है एंड कितना परसेंटेज चार्ज है. बट जब ही हम लोगों के पास ये आया था, ये डिलीवरी मिला था, तब से ही इशू है. इशू है, यस. हम लोग जस्ट अभी अभी घर पहुंचे हैं एंड कुछ पॉइंट्स को लेके हम लोग अभी बात करना चाहते हैं. ओके सो उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब गाड़ी का जो नंबर है, वो हमें कल मिल गया था. कल अराउंड 2 बजे तक हमें मिल गया था, फिर गाड़ी आज ही आ गया. सो वी आर वेरी ग्लैड. सो यस, सो पॉइंट्स ये है कि जब ये उसका जो बूट है, हाँ उसका जो बूट है मतलब सीट ओपन करने के बाद जो स्टोरेज स्पेस है, तो ये सिर वो स्टोरेज स्पेस से कुछ लेने के बाद फिर सिर जब बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब कि वो बूट स्पेस जब बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. मतलब इतना आसानी से वो बंद नहीं हो रहा है, तो वो एक इशू है. तो मतलब बूट खोलने में ही अभी डर लगता है कि अभी बंद होगा कि नहीं, तो ये एक इशू है. So, second issue will explain. हाँ, पहले हमें लगा था कि बूट के ऊपर एक प्लास्टिक कवर दिया हुआ है, तो हमें लगा था कि शायद वो कवर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कवर भी हमने निकल के देखा बट वो फिर से वही सेम प्रॉब्लम हो रहा था. बहुत कोशिशों के बाद अभी जाके बंद हुआ है एंड हम लोग अभी घर के अंदर आए हैं. ओके तो ये राइड में मैं पीछे बैठी थी, तो वहाँ का जो सस्पेंशन है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि हम लोग साइकिलिस्ट है एक्चुअली, हम लोग साइकिल चलाते हैं. तो साइकिल में मुझे जैसा फील होता है, जैसा बम्प्स आते हैं, जैसा फील होता है मुझे, तो ऐसा ही फील हो रहा था कि मैं साइकिल पे ही बैठी हूँ, तो ऐसा लगा मुझे. वो शायद सस्पेंशन थोड़ा कुछ दिन यूज़ करने के बाद शायद ठीक हो जाए, तो ऐसा मुझे, मैं जब टेस्ट राइड के लिए गया था तो उस टाइम भी मुझे सेम लगा था. तो मैं उस बंदे से पूछा था, तो बोला कि सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, अभी न्यू गाड़ी है इसलिए, बाद में शायद अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो ये एक इशू ही बोलूँगा मैं. और नेक्स्ट है कि जब ये तो डिस्क ब्रेक है, तो जब मैं ब्रेक मार रहा था उसके बाद कुछ टाइम तक मुझे थोड़ा सा खस 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 करके साउंड आ रहा था. लग रहा था कि किसी में वो ब्रेक का जो रोटर है वो टच कर रहा है. तो वो एक इशू है, लेकिन कुछ देर बाद, मतलब फॉर मे बी 30 सेकेंड्स, कुछ देर बाद वो इशू अपने आप रिजॉल्व हो जा रहा था. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गिव अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. सो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ओला का तो होगा ही ऑब्वियसली, एंड हम लोग इस ओला स्कूटर को लेके बहुत जगह पे घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पुणे का डिफरेंट प्लेसेस. सो वो भी आएगा, एंड रिसेंटली हम लोग बहुत जगह पे घूमने गए थे वो भी आएगा, क्योंकि ये ट्रैवल चैनल है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And don't forget to press the bell icon, otherwise you will miss the notifications. So then you can miss this type of informative videos as well. So as of now, bye.